बिहार के लिए एक अच्छी खबर है। महिला आईपीएस अधिकारी और अररिया की मौजूदा एसपी धूरत सायली सावाला राम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों सम्मानित होंगी। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शनिवार 25 जनवरी को राष्ट्रपति नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम में धूरत सायली को सम्मानित करेंगे। फिलहाल अररिया एसपी के पद पर तैनात धूरत सायली सावला राम को 2019 के लोकसभा चुनाव में रचनात्मक और सुरक्षा प्रबंध के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार मिलने को लेकर नाम की घोषणा होने के बाद अररिया एसपी ने खुशी जाहिर की है। न्यूज 18 से बात करते हुए धूरत सायली ने कहा कि राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन होना निश्चित तौर पर हर्ष और गौरव की बात है। उन्होंने इसके लिए लोगों को धन्यवाद दिया है। 2010 बैच की आईपीएस अधिकारी धूरत सायली सावला राम मूल रूप से महाराष्ट्र की रहने वाली है, जो बिहार कैडर की आईपीएस है। पटना की सीटीएसपी ईस्ट के पद पर रह चुकी धूरत सायली ने कई महत्वपूर्ण कांडों का खुलासा कर खासी लोकप्रियता हासिल की थी। बिहार में 3 डीएम को मिलेगा राज्य स्तरीय पुरस्कार। बिहार में प्रदेश स्तरीय मतदाता दिवस समारोह में बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस अवार्ड के लिए 3 डीएम के नामों का चयन किया गया है। पटना के अलावा सारण और नवादा के डीएम को मुख्य सचिव दीपक कुमार सम्मानित करेंगे। इसके साथ ही मतदाता जागरूकता अभियान में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी अनिमेश परासर को भी सम्मानित किया जाएगा।